पतंजलि ग्रामोद्योग से जुड़कर पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियाँ तथा PBRI के कृषि उत्पादों के जिला व तहसील स्तर पर वितरक व विक्रय प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। पतंजलि आयुर्वेद के हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं फूड सप्लीमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए हमने जिला स्तर तक वितरक बनाए हुए हैं। इस कार्य को बढ़ाने के लिए हम जिला एवं तहसील स्तर पर और अधिक वितरकों को जोड़ना चाहते हैं। आप भी विश्व के सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद के सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी शिक्षा एवं सबकी सेवा के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 4013424008 2441072467। ईमेल अभ्युदय विभाग @patanjaliayurved.org। यह है पतंजलि ग्रामोद्योग का मुख्यालय, जहां गोआधारित कुदरती खेती से लेकर के ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि स्वावलंबन का संपूर्ण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। हमारा प्रयास है कि जो पशु मूक प्राणी है उसकी सेहत से लेकर के पशुओं के साथ जिनकी जिंदगी जुड़ी है वो पशुपालक, उनका भी जीवन सुखमय हो, उनके जीवन में भी समृद्धि आए, क्योंकि पशु और पशुपालकों के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए व्यापक तौर पर समाज में न तो वैसी जागरूकता है, न सरकारों की तरफ से वैसे प्रयास किए गए, और इसीलिए आज ग्रामीण भारत इस विकास की दौड़ में पिछड़ गया। पशु और पशु पालकों की भी स्थिति इस देश में ठीक नहीं है। पतंजलि ग्रामोद्योग का ये प्रयास है कि हम इस पूरे प्रकल्प के द्वारा पशुओं के जीवन में और पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लेकर के आए, उसी के लिए ये विविध सेवा प्रकल्प यहां से संचालित हो रहे हैं। पतंजलि ग्रामोद्योग के इस सेवा प्रकल्प में जहां एक और कुदरती खेती का कार्य हो रहा है, जिसमें हमने चार प्रकार के खाद और दो प्रकार के कीट नियंत्रक बोले या कीट रक्षक बोले उस पर, और दो प्रकार के बीजामृत के ऊपर पिछले 4-5 वर्षों में व्यापक अनुसंधान और शोध करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कुदरती तरीके से जो हम खेती करते हैं उसमें कम लागत में हम ज़्यादा उपज ले सकते हैं। यूरिया, DAP, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का एक बहुत बड़ा जो विषैला कुचक्र देश में खड़ा हो चुका है, इस जहर से मुक्ति मिले, धरती माता की कोख, इंसान का पेट, उसका खून, उसका पूरा ढांचा जहरीला हो चुका है, उससे मुक्ति दिलाने का यह प्रयास है पतंजलि ग्रामोद्योग का। और आर्थिक क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आए, गांव में ग्रामीण भारत में आर्थिक समृद्धि आए और पूरे देश को स्वास्थ्य मिले, तो स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुष्ठान है पतंजलि ग्रामोद्योग। आज इस पतंजलि ग्रामोद्योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले कई वर्षों से निरंतर चल रहा था, जिसमें लंबे अरसे से अनुसंधान किया गया, और क्योंकि पिछले 2 दशकों में पूरे देश भर में मैं गया तो किसानों की तरफ से एक प्रश्न आता था कि स्वामी जी, मनुष्यों के लिए तो बहुत कार्य हो रहा है, मानव के लिए तो बहुत कार्य हो रहा है, और ये सत्य है कि ये सारा अस्तित्व स्वयं में नियंत्रित है, मनुष्य
वो स्वयं में अनुशासित नहीं होता है तो इस सृष्टि में विकृतियां आती हैं। तो हमने पहले मानव केंद्रित कार्य किया और मानव यदि व्यवस्थित होगा तो पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति, उसमें अव्यवस्था नहीं होगी। पतंजलि ग्रामोद्योग में आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर निरंतर अध्ययन, शोध और अनुसंधान का कार्य कर रही है। और पतंजलि ग्रामोद्योग के दो बड़े प्रकल्प हैं, एक पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियाँ, और दूसरा पतंजलि बायो रिसोर्स इंस्टीट्यूट PBRI के माध्यम से किसानों के जीवन में कैसे समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर कार्य चल रहा है। आज हम पतंजलि ग्रामोद्योग के इन दोनों ही कार्यों के बारे में संपूर्ण राष्ट्रवासियों को अवगत कराने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पशु आहार का, फीड सप्लीमेंट का और पशु औषधियों का कार्य चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। हमने जो पतंजलि में हो रहा है उस पतंजलि ग्रामोद्योग के कार्य को एक प्रेजेंटेशन के लिए आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। इसमें 6 प्रकार के पशु आहार हैं, इनके बारे में हमारे डॉक्टर राय साहब और हमारे आदरणीय मलिक जी और विस्तार से बताएंगे। तो 6 प्रकार के तो हमारे ये पशु आहार हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसमें यूरिया रहित पशु आहार पहली बार बनाया गया है। बाकी जितने भी पशु आहार बाजार में मिलते हैं उनमें 2-4% तक यूरिया डालते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि यूरिया जो है ये पशुओं को खिलाने का क्या मतलब है, तो क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि तात्कालिक रूप से तो ऐसा लगता है कि दूध बढ़ गया लेकिन वह पशुओं के लिए और पशु पालकों के लिए एक बहुत ही खतरनाक कुचक्र शुरू हो जाता है और पशु भी मरते हैं, पशु पालक भी फिर मरते हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पशु नए दूध नहीं होते हैं, उनके शरीर में कई तरह की डेफिशिएंसीज, कई तरह के रोग आ जाते हैं, और क्योंकि जब पशु बर्बाद होंगे तो पशुपालक भी बर्बाद होंगे। तो हमने ये प्रयास किया कि यूरिया रहित पशु चारा मिले और संतुलित पशु चारा मिले। जैसे इंसान के बारे में कहा जाता है कि उसको संतुलित, संपूर्ण, सात्विक आहार मिलना चाहिए, ऐसे ही पशुओं के बारे में ये सोच थी ही नहीं। बोले डांगर तो डांगर होता है, पशु पशु होता है, उसके बारे में क्या ज़्यादा सोचना। तो ये पशुओं के प्रति जो निर्दयता का भाव था और जो पशु आहार बनाने वाले लोग थे, फीड सप्लीमेंट बनाने वाले लोग थे, पशुओं के ऊपर जो कार्य करने वाले लोग थे, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनमें भी पशुओं के प्रति वो दया का, वो करुणा का भाव जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। इसलिए अपने स्वार्थों के कारण से पशु और पशुपालक वो उनके अत्याचार के शिकार हुए व्यापार के नाम पर। तो ये 6 प्रकार का पशु आहार आप मेरे सामने देख रहे हैं। एक ये दुग्धामृत है पतंजलि का, ये सिल्वर राशन है। दूसरा ये सिल्वर प्लस है, फिर ये गोल्ड है, फिर क्योंकि डायमंड जो पशु आहार है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड पंजाब में है क्योंकि वहाँ एक एक पशु 40-40 किलो भी दूध देने वाला होता है, तो बहुत अच्छा चारा अपने पशुओं को खिलाना चाहते हैं, तो ये डायमंड है जो पंजाबी में लिखा हुआ है। फिर ये सिल्वर चिप्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, दिखते हैं देखने में, वो भी सामने प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है। फिर ये गोल्ड चिप्स है। तो ये 6 तरह के पशु आहार आप देख रहे हैं, इनके बारे में विस्तार से भी हमने अलग एक प्रचार सामग्री भी पूरी तैयार की है कि जो पतंजलि ग्रामोद्योग के जो उत्पाद हैं इनके संदर्भ में, चिप्स से लेकर के और अलग अलग प्रकार के दुग्धार, फिर समृद्धि, गर्भांजलि, बत्तीसा, शक्तिधारा, मल्टी विटामिन्स, समृद्धि जेल और जो है थनेलानिल, इस तरह से ये कुछ हमने प्रचार सामग्री भी तैयार की है जिससे कि
एक जागृति फैलाई जा सके, एक अवेयरनेस जो है पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियों के बारे में, पशुओं और पशु पालकों के बारे में एक बहुत बड़े अवेयरनेस की एजुकेशन की जरूरत है। तो ये एजुकेशन और अवेयरनेस भिन्न रूपों में हम चला रहे हैं, इसके लिए कुछ पंपलेट्स भी, कुछ लीफलेट्स भी तैयार किए गए हैं, तो वो भी हम पशुपालकों तक पहुंचाते हैं। और इसमें जो है करीब 8 प्रकार के फीड सप्लीमेंट्स तैयार किए गए। या मेरे पीछे से आप देख रहे हैं ये समृद्धि है, पशुपालक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं पशुओं के लिए कैल्शियम का, क्योंकि जो भी दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए कैल्शियम एक बहुत आवश्यक तत्व हो जाता है, क्योंकि डेली उनके शरीर से दूध के माध्यम से कैल्शियम का क्षरण होता रहता है, तो उसकी पूर्ति के लिए फिर इसकी हमने 1 लीटर और 5 लीटर के अंदर ये उपलब्ध करवाया है। फिर तात्कालिक उसका असर, कई बार पशु बहुत जो है खराब कंडीशन में पहुंच जाता है तो उसको इंस्टेंट रिलीफ मिले, उसके लिए समृद्धि जेल भी तैयार किया गया। और इसमें एक नुकसान होता है, जो लिक्विड कैल्शियम पूरे देश भर में पशुपालक प्रयोग करते हैं, किसान यूज करते हैं, उसमें एक समस्या ये आती है कि इसमें पैकिंग का खर्चा बहुत आ जाता है, 1 लीटर पर 11 रुपये तो पैकिंग का खर्चा आ जाता है। इससे बचाने के लिए हमने अब एक नया प्रयोग सोचा है, ये देश में पहली बार होगा कि कैल्शियम टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध हो, जिससे कि ये जो पानी ढोने वाला काम है, लाखों करोड़ों लीटर पूरे देश में पानी ढोया जाता है कैल्शियम के नाम पर, और आखिर मार तो किसानों पर ही पड़नी होती है, तो किसी भी नई परंपरा को डालने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगता है, लेकिन हम इस संदर्भ में भी एजुकेशन और अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे कि भाई ये पानी पीने से कोई कैल्शियम नहीं बढ़ने वाला, वो तो अपने घर का पानी पिला दीजिए आप, ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये डब्बा बंद पानी पिलाने की पशुओं को ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम पानी में घोल के आप पिलाइए, तो एक तो ये पैकिंग का खर्चा बच जाएगा, दूसरा ये पानी का भी तो खर्चा लगता है, जो पानी भर के देंगे वो कुछ ना कुछ पानी का भी जोड़ेंगे, तो आपको काफ़ी इससे राहत मिलेगी। तो ये एक नया प्रयोग कैल्शियम के बारे में किया जा रहा है, ये गर्भांजलि का प्रोडक्ट होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये थनेला जो पशुओं को एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके कारण से 50-50 हज़ार 1-1 लाख के पशु बेकार हो जाते हैं, 5-5 लाख के पशु बेकार हो जाते हैं। मैंने पिछले दिनों सुना हरियाणा में 24 लाख की एक भैंस, और वो जो मुर्रा नस्ल की भैंस 24 लाख की, और मुर्रा नस्ल का जो झोटा जो इसका जो मेल होता है वो कितने रुपए तक का, एक तो मैंने सुना करोड़ों रुपए में बिका, 5 करोड़ का या 7 करोड़ का। आपको सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा कि 5 करोड़ की गाड़ियां तो सुनी थी हमने, जो है हेलीकॉप्टर तो सुना था, ये 5 करोड़ का झोटा ये मैंने आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब जो है गाय है, नंदी है, भैंस है, और जो उसका झोटा है, ये 1 लाख के, 5 लाख के और 5-5 करोड़ के बिक रहे हैं। उनको यदि ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो गाड़ी में तो थोड़ा डेंट पेंट पड़ा तो 5-25 हज़ार रुपये में ठीक हो जाता है, लेकिन जब पशु के जो कोई रोग हो जाता है और वो रोग उस पशु को ही बेकार कर देता है, उस समय पशुपालक की बर्बादी तबाही शुरू हो जाती है। तो थनेला से जो है खास करके पशु बहुत खराब होते हैं, गाय हों या भैंस हों, जो भी दुधारू पशु हैं वो। और इसी तरह से अब लीवर, चाहे वो गाय हो, चाहे नंदी हो, चाहे भैंस हो या झोटा हो, वो सब भी तो खराब होते हैं, तो उनका लीवर ना खराब हो, उनको एनर्जी पूरी मिले, तो इसलिए यकृत अमृत, फिर ये एनर्जी बूस्टर, फिर मल्टी विटामिन, क्योंकि पहले जो पशुओं को चारा मिलता था वो चारा शुद्ध होता था, कई प्रकार के घास मिलते थे उनको, कई प्रकार के अनाज मिलते थे उनको, और वो चारा और वो अनाज जिस धरती में पैदा होता था वो धरती भी ठीक थी। अब
जो पशुओं को हम अनाज खिला रहे हैं, पशुओं को जो हम चारा खिला रहे हैं, पशु जो घास खा रहे हैं, उसी में ही विटामिन्स की कमी हो गई, इसलिए ऊपर से दिए जा रहे हैं मल्टीविटामिन। फिर ये एक मिनरल मिक्सचर आप देख रहे हैं जो पशु के आहार में भी हम डालते हैं। और जब किसी पशु को बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ये मिनरल मिक्सचर भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। हमने ये सब तैयार कर लिया है, इसके ऊपर लंबे अरसे तक रिसर्च करके तैयार किया गया है सारा। और पशुओं का पेट बहुत ख़राब होता है, उसके लिए जो है ये पतंजलि 32 प्रो, इसकी अलग विशेषता है, एक एक के बारे में आपको अभी विस्तार से बताएंगे, इसका छोटा पैकिंग भी है। और पशुओं को ज्वर हो जाता है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं पशुओं के संदर्भ में, उनके शरीर में छींचड़ी हो जाते हैं, उसके लिए भी आगे हम औषधियाँ तैयार करेंगे। खास करके पशुओं को बुखार बहुत हो जाता है, उसके लिए गिलोय का तो तात्कालिक रूप से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, गाँव वाले भी सब जानते हैं। ये गिलोय के बारे में हमने बहुत जागृति पूरे देश भर में फैलाई, ये अपने आप में एक अचूक औषधि है। पशुओं को भी, जैसे बड़ा पशु है तो जैसे आदमियों को हम बोलते हैं एक बालिश भर, तो आदमी को जितनी खुराक दी जाती है पशु की 8 गुना हो जाती है। तो जैसे एक पशु को बुखार हो गया तो ये जो मेरे जितने हाथ में गिलोय है उतना आप एक पशु को पिला सकते हो, एक बार देते बुखार उतर जाएगा। तो पशुओं को भी जो बुखार होता है आप ताज़ा गिलोय पिला सकते हैं, गिलोय का क्वाथ जो है वो आपको पतंजलि की ओर से पतंजलि चिकित्सालयों पर उपलब्ध होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम आपको करीब ये 14 प्रोडक्ट हैं पतंजलि पशु आहार के रूप में और फीड सप्लीमेंट्स के रूप में, कुछ औषधि के तौर पर, बाकी ये कार्य आगे निरंतर चलेगा। और कुछ हमारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में, अर्थात उनके ऊपर अभी और अनुसंधान चल रहा है, धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार होगी। जिस तरह से आज पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 500 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही बहुत जल्दी ही, मैं 500 तो नहीं कह रहा हूँ, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन करीब करीब जो है 50 प्रकार के प्रोडक्ट्स हम पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। इसमें कुछ बायोफर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स होंगे और कुछ आप घर में बना सकते हैं प्राकृतिक खाद, जो कि सामान्य खाद से 5 से 10 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है। उसके भी आपको उपाय बताएंगे कि किस तरह से आप और गुणवत्ता युक्त खाद बना सकते हैं, कीट रक्षक, कीट नियंत्रक बना सकते हैं और बीज संस्कार के लिए बीजामृत बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत हम जो है पशु आहार से करते हैं। तो मेरे साथ करनाल, देश की सबसे प्रसिद्ध संस्थान के रूप में जाना जाता है, NDRI के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, डॉक्टर राय साहब, क्योंकि वहीं के हमारे साइंटिस्ट हैं और अब इस पतंजलि के इस किसानों के जीवन में खुशहाली आए और ग्रामीण भारत हमारा आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बने, किसानों के जीवन में समृद्धि और देश के लोगों के जीवन में स्वास्थ्य की अभिनव क्रांति के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन की आहुति दे रखी। तो डॉक्टर राय जी हैं मेरे साथ, फिर आदरणीय मलिक जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका तो बहुत लंबा अनुभव रहा है पशुओं के बारे में। जी, मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 38 साल तक काम किया हूँ, विभिन्न पदों पर रहते हुए, और रिटायरमेंट होने के बाद पतंजलि शास्त्री जी और स्वामी जी के आदेश के अनुसार फीड सप्लीमेंट और फीड के काम में लगे हुए हैं। यहाँ आपको दिखाएं थोड़ी सी कि हमने 4 तरह के पैलेट्स और मेस फार्म में बनाया है। वो उनकी खूबी ये है कि अगर BIS का स्टैंडर्ड देखें तो Type 1 और Type 2 होता है, जिसमें कि 2 सिल्वर प्लस और सिल्वर, ये 2 है वो आपके Type 2 के करीब करीब है, और गोल्ड जो है Type 1 के है, और एक डायमंड जो भी स्वामी जी ने बताया वो Type 1 से भी अच्छा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं विभिन्न तरह के प्रोडक्शन के लेवल ले करके और उसको ध्यान में रख के, उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की,
एनर्जी की, मिनरल्स की, सब के 5-10 किलो दूध देने वालों से लेकर के और 50 किलो तक जो दूध देते हैं उसमें जितना भी आए। और इसके बाद जो है ना, दो लेटेस्ट और टेक्निक किया कि हमारे देशों में खली के रूप में खिलाया जाता है, चाहे वो सरसों की खली हो, बिनौला की हो या मूंगफली खली हो। तो उसी तरह से उन खलियों में कुछ तो नेचुरल पदार्थ जो हैं प्राकृतिक वो हैं, लेकिन कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि खल के रूप में कंप्लीट फीड, जिसमें कि पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और कुछ सप्लीमेंट्स हमने ऐड किए हैं इसमें, जिससे कि जड़ी बूटियों का भी असर हो कि उनको पाचन क्रिया में सहायता मिले, उनका प्रोडक्शन लेवल बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े। तो इस तरह से करके ये विभिन्न प्रकार के 6 पशु आहार तैयार किया है। और इसके भी दो तरह से, एक तो ये जो इसको गोल गोल को इसको क्या बोलते हैं, पैलेट, ये पैलेट के फार्म में है और पाउडर के फार्म में, दोनों फार्म में है। 11-12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में दोनों चल रहा है। कुछ जो है ना खली के रूप में, जैसे रोहतक में है या एक दो जगह और है पंजाब में है, ये खली का काम शुरू हुआ है। ये भी पतंजलि ग्रामोद्योग की ओर से एक पहली बार बड़े रूप में प्रयास किया गया कि पशु पालकों को ऐसा लगता है कि खल जो है वो हमारे पशुओं के लिए सबसे अच्छी है। अभी भी औसत तौर पर कितने प्रतिशत लोग, खास करके हरियाणा, पंजाब और ये जो उत्तर भारत का एरिया है, या खल कितनी खिलाते होंगे और पशु आहार कितना खिलाते होंगे जो है उसकी मात्रा के तौर पर? पशु आहार तो मुश्किल से 8-10% लोग खिलाते हैं, बाकी करीब 90%, बाकी खली प्लस चोकर और अपना आटा मिला करके देते हैं। तो खली तो मेन ही रह गया है। हमारे मलिक जी इस बारे में काफी कार्य करते हैं और डॉक्टर राय साहब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके एक बहुत अच्छी जोड़ी है। माने डॉक्टर राय जी साइंटिफिकली चीज़ों के ऊपर बहुत डीप रिसर्च करते हैं, तो उसका जो व्यवहारिक पक्ष है जो कि पशुओं से और पशुपालकों से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमारे आदरणीय मलिक जी बहुत अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान तो करते हैं, साथ में उनकी इसकी पीछे गहरी संवेदना जुड़ी। हम चाहते हैं कि जो बातें आप सुन रहे हैं उनको सब तक पहुंचाएं, इस बात को दूर दूर तक फैलाने की जरूरत है, क्योंकि पशुओं और पशुपालकों के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए था वो ना तो सरकारों ने उसकी चिंता की, ना समाज ने उस बारे में कुछ सोचा। आदमी जो शहर का आदमी, उसको लगता है मेरे को गांव से अनाज मिल जाता, मैं पैसा दे देता हूँ, मुझे साग सब्जियाँ मिल जाती हैं, मुझे फल मिल जाते हैं, उसके बदले मैं कीमत चुकाता हूँ, तो मुझे क्या, मैं तो जो ले रहा हूँ पैसे में खरीद करके ले रहा हूँ, तो वो भी पशुओं और पशुपालकों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। सरकारें जो है बस कुछ थोड़ी योजनाएँ बना देती हैं, बाकी पशुओं के बारे में, पशुओं की नस्लों के बारे में, खास करके गो और गो आधारित जो खेती उसके बारे में उसको भी ज़्यादा परवाह नहीं, खाली वोट बैंक के रूप में वो किसानों का इस्तेमाल करते रहे हैं। और जो थोड़े समझदार लोग हैं, अरे बोले ये कहाँ डांगरों की बात कर रहे हो, माने पशुओं की बात करना उसको जो है ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, इसलिए डांगरों के लेके बात बैठ गए। पशुओं की बात कर रहे हैं तो बोले हमको पशु थोड़ी है, हमको जानवर थोड़ी है कि जानवरों की बात करेंगे। माने समाज के अंदर जो गौरव मिलना चाहिए था पशुओं को और पशुपालकों को, वो गौरव नहीं मिला। कहाँ तो हम गाय को माँ कहते थे, इतना ऊंचा गौरव दिया, और अब अरे बोले कोई हम पशु थोड़ी हैं कि हम पशुओं के बारे में बात करेंगे। तो उसके स्थान पर अब एक नई जागृति की जरूरत है कि व्यक्ति से लेकर के, समाज से लेकर के, सरकार तक सब इस बारे में सोचें, और पशुपालक भी ये सोचें कि उनका भला किस में है, उनके जो है पशुओं के जीवन में कैसे और उनके पशुपालकों के जीवन में कैसे समृद्धि आएगी, इसके बारे में उनको भी सोचना पड़ेगा। और कई प्रकार के दुष्प्रचार जो किए जाते हैं खेती के संदर्भ में, चाहे वो यूरिया डीएपी के बारे में दुष्प्रचार करके उनके खेतों को जहरीला बना दिया और उनको कर्जदार बना दिया और आज जो है वो तबाह हो चुके हैं, ऐसे ही उनके पशुओं के संदर्भ में, क्योंकि एक किसान को बहुत ज़्यादा तो नॉलेज होता नहीं, कोई उनको बॉडी के का साइंस भी नहीं पता होता किस तरह से ये जो पशु आहार काम करते हैं, पशु आहार क्यों खिलाना चाहिए, उस पशु आहार में क्या विटामिन्स हैं, क्या मिनरल्स हैं, कितना प्रोटीन है, क्या कुछ है उसके अंदर, वो सारे बातों के बारे में उतनी जागरूकता नहीं होती। तो आज इस पूरे संदर्भ में भी हम बात करेंगे। ये प्रोडक्ट जो बनाए हैं हमने,
बेचने के लिए नहीं बनाए। प्रोडक्ट बेचना हमारा मकसद नहीं है, पशु और पशु पालकों को बचाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना, ये मकसद है। तो जो है हमारे मलिक जी के बारे में कह रहा था, ये भी इस बारे में कई वर्षों से, कितने साल हो गए मलिक जी? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, 30-30, 40-40 सालों से हमारे डॉक्टर राय जी और मलिक जी जो है इस संदर्भ में काम कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा अपना अनुभव पहले पशु आहार के बारे में बताइए। पहले मैं एक्चुअली में जो ना पशु आहार होता क्या है जी जी, उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। ये जो इसको जो ये फीड है आपका पशु आहार है जी, इसको हम पहले तो दो बातें होती है, एक तो पशु आहार, एक संतुलित पशु आहार जी जी। तो पशु आहार कोई भी पदार्थ जो पशुओं के खाने योग्य हो, जिसे किसी भी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता हो, उसको हम आहार कहते हैं जी। लेकिन संतुलित पशु आहार किसको कहेंगे, चाहे कोई व्यक्ति है या पशु है जी, उसके आहार में 5 पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन। जिस आहार में ये 5 तत्व पशु की आवश्यकता के अनुसार और उसी अनुपात में उपलब्ध हों, उसको हम संतुलित पशु आहार कहेंगे। ये संतुलित पशु आहार का जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत हुई थी आज से 45 साल पहले 70s में श्वेत क्रांति के साथ जी, और इस उम्मीद के साथ की थी कि एक आम जो जमींदार है, पशुपालक है, जो अपने घर की जो चीज़ें वो अनाज है या बिनौला है या बिनौला ही खड़ा है, सरसों ही खड़ वो डालता है, क्योंकि वो सभी 5 पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते, तो उसकी जगह एक संतुलित पशु आहार की सप्लाई की जाए। 70 से लेकर आज तक इसका जो मार्केट शेयर, जो टोटल कंसंट्रेट का जो मार्केट शेयर, जो इसका 100% होना चाहिए था, हम 45 साल में सिर्फ 10-12% तक पहुंचे हैं। और इसका कारण क्या है कि जिस उद्देश्य के साथ में संतुलित पशु आहार का ओरिजिन हुआ था, माने 10-12% संतुलित पशु आहार दिया जाता, बाकी जो परंपरागत दिया जाता, जो भी पशुओं को चारा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, सूखा चारा खिलाते हैं, खली चोकर खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, आटा खिलाते हैं, उसके ऊपर लोग केंद्रित। तो 10-12% में भी क्या है कि जैसे कंसंट्रेट जो टोटल आहार होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक हरा चारा, एक सूखा चारा और एक कंसंट्रेट बांट चाट जिसको हम बोलते हैं जी। इसकी खिलाने की मात्रा जनरली एक रेशो होती है कि आपको 33% आपने कंसंट्रेट बांट देना है, 45% आपने सूखा चारा देना है और 22% आपने हरा चारा देना है। एक रेशो है, ये डॉक्टरों ने अपनी रिसर्च के आधार पर ऐसा कहा है। लेकिन ये जो 33% जो कंसंट्रेट का जो पार्ट है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट को लें, तो इसमें सिर्फ 10-12% ही कंसंट्रेट जो है संतुलित पशु आहार के रूप में बिकता है, बाकी आपका 40% खल है, 10% बिनौला है, 5% सरसों की खल है और 5% में आपका खल चोकर, छिलका, खंडा, चूरी, ये 5-7% में ये आते हैं, और बाकी 30-35% जमींदार जो अपना उसका घर का अनाज है वो डालता है। और ये कमोबेश पूरे देश की ये स्थिति है। ये मैंने अपना एक पढ़ाई के दौरान एक रिसर्च की थी, एमबीए की थी, उसके दौरान ये मेरा डाटा के बेस पर मैं बातें कर रहा हूँ जी जी। ये ऐसा क्यों है, ये हम 10-12% पिछले 45 साल में क्यों पहुंचे हैं, इसके लिए हम फीड मैन्युफैक्चरर जिम्मेवार हैं। हम फीड को संतुलित आहार देने की बजाय उसको सस्ता करने के चक्कर में लगे हुए। अभी तक सारे देश में इस फीड को रेगुलेट करने के लिए सिर्फ 2 स्टेट हैं जहां पर फीड के रेगुलेशन है, जहां पर हम जो BIS टाइप 2 की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया था, जिसमें BIS टाइप 2 का मतलब है जिसके अंदर 20% क्रूड प्रोटीन है, 2.5% फैट है, 12% मॉइस्चर है, 11% फाइबर है और 4% AI है, एसिड इन सोलुबल एस है। सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इस BIS स्टैंडर्ड्स की मानदेय को कंट्रोल किया जाता है, बाकी में नहीं है। बाकी में क्या बिक रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और इन्हीं वजह से अब हर स्टेट में आपकी दुनिया भर की 50-100 कैटल फीड की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। कैटल फीड फैक्ट्रियों वाले माल उधार भी देते हैं, पहुंच भी देते हैं, छोटी क्वांटिटी में भी देते हैं, उनको स्कीमें भी देते हैं, उनका फीड फिर भी 10-12% बिक रहा है। दूसरी तरफ जो खड़े हैं, आपकी सरसों की खड़ा है, बिनौले की खड़ा है, बिनौला है, कोई भी बिनौले की खड़ वाला किसी के पास अपनी खड़ बेचने के लिए नहीं जाता या बिनौला बेचने के लिए नहीं जाता। जमींदार पशुपालक उसके पास जाता है, वो कैश पे बेचता है और दुकान से उसके लेके जाता है, वो कोई स्कीम भी नहीं देता और वह दुकान से उठाता। तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब यह है कि हम जो पशु आहार बना रहे हैं, आज की डेट में जो संतुलित पशु आहार चल रहा है, उसके अंदर
जो पशु की आवश्यकता के अनुसार जो तत्व हैं उनकी वो पूर्ति करने में असफल सिद्ध हुआ है। अब आज संतुलित पशु आहार के नाम पे 1000 रुपए क्विंटल से लेके 800 रुपए क्विंटल से लेकर 1200 रुपए क्विंटल के रेट में संतुलित पशु आहार मिलता है। तो मेरे को यह बताओ, आप 1000 रुपए में जिसके अंदर आपकी बैकिंग की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, तो अगर 1200 रुपए लेकर उसकी जो रॉ मेटेरियल कॉस्ट है वो 800 से 900 रुपए आएगी, तो 900 रुपए में हम पशु को क्या देंगे और वो फिर क्या इस पशु आहार को खिला के वो क्या दूध देगा। तो इस समस्या को देखते हुए ये जो हम पशुओं को जो आहार खिला रहे हैं जिसकी वजह से दो मुख्य समस्याएं आज एक पशुपालक के सामने हैं, एक तो नया दूध होने की सबसे बड़ी समस्या है। आज से 15 साल 20 साल पहले हमने नोटिस किया हुआ कि एक साल में बहने वाली भैंसों की संख्या 60 से 70% होती थी जो एक साल में बह जाती थी, लेकिन आज वो संख्या जो है दिन पे दिन कम होती जा रही है। यदि आप पतंजलि ग्रामोद्योग से जुड़कर पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियां तथा PBRI के कृषि उत्पादों के जिला व तहसील स्तर पर वितरक व विक्रय प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। पतंजलि आयुर्वेद के हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं फूड सप्लीमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए हमने जिला स्तर तक वितरक बनाए हुए हैं। इस कार्य को बढ़ाने के लिए हम जिला एवं तहसील स्तर पर और अधिक वितरकों को जोड़ना चाहते हैं। आप भी विश्व के सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद के सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी शिक्षा एवं सबकी सेवा के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 4013424008 2441072461437। ईमेल अभ्युदय विभाग @patanjaliayurved.org।